नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल हर्ष में हमारा इरादा रहता है कि मैं आपसे कुछ ऐसे विषयों पर बात करूं जिसमें राजनीति नहीं है और देश हित की बातें हों, मानवता की, समाज की, एंटरटेनमेंट की, स्पोर्ट्स की, और कुछ ऐसी अच्छी खबरें आपके साथ मैं डिस्कस करूं जो मेरे ख्याल से हम सब लोगों के जीवन पर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ती हैं और उनसे हमारे बहुत से मकसद भी हल होते हैं। आज की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर थी वो खबर यही रही कि कोरोना की जो वैक्सीन है और कोविशील्ड जिसे सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने बनाया है उसकी रवानगी शुरू हो चुकी है। देश के कोने कोने में वैक्सीन पहुंचनी शुरू हो गई है। पिछले लगभग एक साल से कोरोना काल को जिस तरीके से हम लोगों ने फेस किया है उसके लिहाज से ये एक बहुत बड़ी खबर है। और हम लोग सोच रहे थे कि पता नहीं कोरोना की वैक्सीन कब आएगी, कैसे मिलेगी, और देखिए धीरे धीरे वो वक्त आ गया है कि वैक्सीन भी आ गई है और उसका वितरण का काम भी शुरू हो गया है। वितरण के संबंधित जो कुछ दिलचस्प जानकारियां दोस्तों इसके बारे में आई हैं, मैंने सोचा कि आपको उसके बारे में कुछ ऐसे पहलू बताऊँ जो शायद आपको मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ना मिले हों। इसमें कुछ खास बातें ये हैं कि 16 जनवरी से आप जानते हैं कि पूरे देश भर में वैक्सीनेशन का काम शुरू होने जा रहा है और सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसकी उसके लिए ऑर्डर दिया हुआ है। और ये जो ऑर्डर है, आपको मैं बताऊँ कि इस ऑर्डर की कुल कीमत जो पहला कंसाइनमेंट है गवर्नमेंट ने ले लिया है उसकी 1300 करोड़ रुपए होगी। और भारत बायोटेक की जो एक दूसरी वो है, क्या कहना चाहिए कि कोविड की टीका, उसका भी ऑर्डर दिए जाने की तैयारियां चल रही है। फिलहाल मैं बात करना चाहूँगा सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के बारे में। इसके बारे में बड़ा एक दिलचस्प घटनाक्रम चला पूरे दिन में। और पहली जो 56 लाख खुराक हैं वो पुणे से निकली और देश के 13 शहरों में पूरे पहले दिन पहुंची। स्पाइस जेट का विमान करीब सुबह के वक्त 10 बजे के करीब दिल्ली पहुंचा, 8 बजे पुणे से उड़ा और 10 बजे दिल्ली पहुंच गया। इससे पहले 3 ट्रकों में इन टीकों को भरकर सुबह 5 बजे के करीब सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से हवाई अड्डे के लिए रवाना किया। और इस बारे में जो नगर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि 13 शहरों के लिए जो कोविड की पहली खेप है, कोविड के वैक्सीन की पहली खेप है, वो रवाना की जा रही है और इसमें 56.5 लाख खुराक ले जा रही हैं। ये मंगलवार को उन्होंने ट्वीट किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्पाइस जेट के विमान से दिल्ली, गो एयर के विमान के टीके लेकर चेन्नई के लिए रवाना हुई। और इस बारे में स्पाइस जेट के जो अध्यक्ष हैं अजय सिंह, उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि स्पाइस जेट ने भारत में कोविड-19 की वैक्सीन की पहली फ्लाइट लेकर उड़ान भरी। इसके अलावा विभिन्न शहरों के लिए 11 टन की कोविशील्ड को 40 लाख खुराकों को पहुँचाया गया। इसके अलावा स्पाइस जेट का विमान दिन में करीब 10 बजे टीकों को लेकर दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचा। और इसके अलावा स्पाइस जेट के अलावा गो एयर, इंडिगो, एयर इंडिया, इनके विमानों ने भी इस खुराक को पहुंचाया है। और एयर इंडिया ने कहा कि टीकों की 2,76,000 खुराक की पहली खेप पुणे से अहमदाबाद ले जाई गई। इनका वजन 700 किलोग्राम था। इसके अलावा इंडिगो ने बताया कि पुणे से चंडीगढ़ और लखनऊ भी खेप ले जाई गई है। इसके अलावा स्पाइस जेट ने यह बताया कि गुवाहाटी, कोलकाता, हैदराबाद, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, पटना और विजयवाड़ा, इन शहरों में भी खेप पहुंचाई गई। स्पाइस जेट ने यह बताया कि उनके विमान गुवाहाटी के लिए 2,76,000 टीके, कोलकाता के लिए 9,96,000 टीके और हैदराबाद के लिए 3,72,000 की खेप और भुवनेश्वर के लिए 4,80,000, बेंगलुरु के लिए 6,48,000, पटना के लिए 5,52,000,
और विजयवाड़ा के लिए 4 लाख की खेप लेकर पहुंची। गो एयर ने भी पुणे से चेन्नई के लिए 70,000 शीशियों की खेप पहुंचाई और ये सब कुछ प्रक्रिया चलती रही। दोस्तों मैं बताऊं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की COVID-19 टीके की 6 करोड़ से अधिक खुराक के लिए सरकार ने ऑर्डर दिया है और इस ऑर्डर की कुल कीमत करीब 13,000 करोड़ रुपए होगी। भारत बायोटेक ने भारत आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान NIV के तालमेल से स्वदेशी कोवैक्सीन टीके को विकसित किया है। ये बहुत बड़ी खबर है। और देखिए हम लोग कितना परेशान हो रहे थे, घरों में बंद हैं, अभी भी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और बड़ी असुरक्षा की भावना लोगों में है और ऐसे वक्त में ये कोरोना की जो वैक्सीन आई है और सारे देश में इसका डिस्ट्रीब्यूशन अब शुरू होने जा रहा है। पता नहीं हमारा आपका नंबर कब लगेगा, हो सकता है कि हमारा आपका नंबर अक्टूबर नवंबर तक आए, लेकिन उससे पहले जो ज़रूरतमंद लोग हैं, पुलिस फोर्स के लोग हैं, हेल्थ से जुड़े हुए लोग हैं, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, इन सब के लिए कोरोना वैक्सीन बहुत ज़रूरी थी और इन सब की जान बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही हमारे असली वॉरियर हैं जिन्होंने हमारे लिए काम किया, दिन रात जाग कर काम किया। इन सबको ये वैक्सीन तुरंत लगाई जानी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जो मीडिया है, मीडिया को इस वैक्सीनेशन का जो अभियान शुरू होने वाला है इसके प्रति एक पॉजिटिव थिंकिंग दिखानी चाहिए। ऐसा ज़रूर होगा कि किसी स्थान पर जो वैक्सीन होगी हो सकता है कि वो टेम्परेचर मेंटेन ना होने के कारण ख़राब हो जाए, कोई तकनीकी कमियां आ जाएं, इंजेक्शन लगाने में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई साइड इफ़ेक्ट थोड़े बहुत देखने को मिल जाए, जैसे कि उम्मीद कम ही है। तो ऐसे में मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि जिम्मेदारी से खबरों को छापे, इसको संयमित तरीके से दिखाया जाए, ऐसा ना हो कि लोगों में गलत मैसेज चला जाए और जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो इसे लगवाने से झिझकें। और इसके प्रति कोई नकारात्मक खबरों से भी बचना चाहिए। आप लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि अपने ज़रूरतमंद जो लोग हैं, बुजुर्गवार हैं, उन लोगों को ये कोवैक्सीन का जो टीका है वो ज़रूर लगवाएँ और नकारात्मकता से बचें, सकारात्मक बने रहें। इस तरह के मुद्दों पर बात होती रहेगी। आपसे मन किया कि मैं ये शेयर करूं अपने इस नए चैनल पर ग्लोबल हर्ष पर, वैक्सीनेशन का जो पहला कंसाइनमेंट 13 शहरों में पहुंचा है उसके बारे में, तो मन था आपसे बात करने का इसलिए बात की। आपको अगर ये चैनल अच्छा आ रहा है, जो वर्टिकल एंगल में भी वीडियोज़ डाल रहा हूँ, तो ज़रूर बताएँ किस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट पर नॉन पॉलिटिकल बात होती है मेरी इस चैनल पर, तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करें। और देखते रहें ग्लोबल हर्ष। नमस्कार।